अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आप प्रॉपर्टी परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको प्रॉपर्टी की नॉलेज थोड़ी कम है, या तो आप अपनी नॉलेज के लिए कैजुअली ये वीडियो देख रहे हैं। दोनों ही कंडीशन में आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। प्रॉपर्टी चाहे 10 लाख की हो या 1 करोड़ की, हर कोई अपने अकॉर्डिंग अपने सपनों का महल खरीदता है, और ऐसे में अगर उसके साथ कोई फ्रॉड या धोखा हो जाए तो इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। हम फ्रॉड करने वालों का तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये वीडियो देखकर आप अपने को और अपने आसपास के नोन में जितने भी हैं आप उनको इस नॉलेज के बारे में ज़रूर अपग्रेड कर सकते हैं, ताकि आगे जाके किसी के भी साथ ये फ्रॉड ना हो। आज का टॉपिक भी यही है कि प्रॉपर्टी का फुल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोगों के डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी के खो जाते हैं, तो उन केस में प्रॉपर्टी किस तरीके से परचेज करी जाती है, सेल करी जाती है, ये हम एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मेरा काम है आप तक नॉलेज पहुँचाना और आपका काम है ये नॉलेज सब तक पहुँचाना। जय हिंद फ्रेंड्स, माय नेम इज एडवोकेट प्रशांत गुप्ता एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एट दिल्ली हाई कोर्ट एंड वेलकम टू माय चैनल लीगल क्योरा। नाउ हम बात करते हैं प्रोसेस फॉर रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का क्या तरीका है। देखिए, पहली बात, प्रॉपर्टी GPA के थ्रू और पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू ट्रांसफरेबल नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार ऐसी प्रॉपर्टियाँ टोटली इलीगल है। हालांकि मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टियाँ ऐसी ही चली जा रही हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी सारी इलीगल हैं, क्योंकि इसमें ना ही गवर्नमेंट को ऐसा कोई टैक्स पे करते हैं स्टैंप ड्यूटी का, और ना ही ऐसा कोई प्रोसेस होता है जिससे वेरीफाई हो सके, क्योंकि इसमें डिस्प्यूट भी बहुत हैं। एक ही नोटरी कागज़ 4 लोगों को बांट दिए जाते हैं, जिससे हर कोई ऑनर बन जाता है, और जिससे सिर्फ जो दिक्कत आती है वो परचेजर को आती है, इसके अलावा और किसी को कोई दिक्कत नहीं आती। इसे सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली ये डायरेक्शन दी है कि GPA के थ्रू, पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का सिर्फ एक ही मोड है जो एक्चुअल है, वो है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही आप इसके ऑनर माने जाएंगे, जिसमें प्रॉपर स्टैंप फी गवर्नमेंट को गई होगी। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन जो है 2 चीज़ों पर होती है। एक होता है प्रॉपर्टी का सर्कल रेट, एक होता है मार्केट रेट। जो सर्कल रेट है, सर्कल रेट का मतलब ये होता है जो गवर्नमेंट ने रेट तय किया है, प्रॉपर्टी स्टैंप ड्यूटी उस पर जाती है। दूसरा होता है मार्केट रेट। मान लीजिए प्रॉपर्टी आपकी 10 लाख की है सर्कल रेट के अकॉर्डिंग, लेकिन प्रॉपर्टी बिक जो रही है वो 20 लाख की बिक रही है, क्योंकि वो रेट मार्केट ने बढ़ाया हुआ है, गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाया वो रेट। तो ऐसे केस में क्या होता है, देखिए, अगर सर्कल रेट मार्केट रेट से कम है, यानी प्रॉपर्टी मान लीजिए सर्कल रेट के अकॉर्डिंग 20 लाख है और जो मार्केट रेट है प्रॉपर्टी का 18 लाख है, तो आपको जो स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी वो 20 लाख की ही देनी पड़ेगी, क्योंकि उसका सर्कल रेट ही 20 लाख का है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी आपकी सर्कल रेट में 20 लाख की है और मार्केट रेट उस प्रॉपर्टी का 25 लाख है, तो उस केस में 2 सॉल्यूशन है जो मोस्टली लोग करते हैं। प्रॉपर्टी जो है, सपोज आपने सर्कल रेट जो है 20 लाख का है, मार्केट रेट 25 लाख की है, तो प्रॉपर्टी जो है आपने 20 लाख की शो करी है अपने डॉक्यूमेंट्स में, बाकी जो 5 लाख का अमाउंट है वो आपने एक ट्रांसफरल अमाउंट किया है प्रॉपर्टी में, डॉक्यूमेंट में शो नहीं किया, यानी अपने डॉक्यूमेंट्स में आपने 20 लाख की प्रॉपर्टी ही परचेज करी है। सेकेंड चीज़, अगर आप फुल अमाउंट के साथ शो करना चाहते हैं, मतलब 25 लाख की प्रॉपर्टी आप दिखाना चाहते हैं, तो उसमें आपको 20 लाख का सर्कल रेट जो है ही है, प्लस उसमें एक्स्ट्रा पेनल्टी लगती है, क्योंकि आप एक हायर परचेज प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो उसमें जो अलग से पेनल्टी लगेगी वो आपको पे करनी पड़ेगी इस स्टैंप ड्यूटी के साथ। नेक्स्ट जो है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के टाइम जो ऑनर है उसका फोटोग्राफ लगेगा, जो परचेजर है उसका फोटोग्राफ लगेगा, यानी सेलर और बायर दोनों का फोटोग्राफ लगेगा, प्लस इसमें 2 विटनेस की रिक्वायरमेंट है, उनके भी फोटो इसमें नेसेसरी है। अब इसके बाद क्या होता है, आपने ये सब किया, आपने अपना रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट तैयार किया, आपने ई स्टैम्प पे किया, अब ई स्टैम्प से आपको एक नंबर जनरेट होगा ऑनलाइन, जो उसके बाद आपको वो नंबर फिल करके अपना डॉक्यूमेंट में डाल के, उसके बाद आपको अपने रजिस्ट्रार, यानी सब रजिस्ट्रार जिसे SR बोलते हैं, अपने नियरेस्ट ज्यूरिडिक्शन की प्रॉपर्टी का, जिसके ज्यूरिडिक्शन में आपकी प्रॉपर्टी लगती है, वहाँ पर जाके आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी मोड आपके यहाँ अवेलेबल है, वहाँ जाके आप वो शो करेंगे कि आपने जो है स्टैंप ड्यूटी गवर्नमेंट को पे कर दिया इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। अब आपको एक डेट दी जाए जिस दिन ये प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफ़र हो सके फ्रॉम सेलर टू बायर। अब रजिस्ट्रार आपको जो है एक दिन डिसाइड करेगा और आपको बायर और सेलर को उस दिन बुलाएगा और एक डेट फिक्स करके आप उनके ऑफिस आपको बुलाया जाएगा। देखिए, रजिस्ट्रार के यहाँ क्या होता है, रजिस्ट्रार के यहाँ पहले वेरीफिकेशन की जाती है, यानी जो सेलर है, बायर है और जो विटनेस है, उनका प्रॉपर वेरीफिकेशन होता है कि ये एक्चुअल में सेलर है, एक्चुअल में ऑनर है। वहाँ आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या आप ही ऑनर है, क्या आप ही सेलर है, या आप ही परचेज करना चाहते हैं, आप ही विटनेस है, वो सब कुछ वेरीफाई करने के बाद, उसके बाद आपका बायोमेट्रिक लिया जाता है, अब जो आपके थंब इंप्रेशन है वो सब आपके लिए जाएंगे, ताकि आपका एक वर्चुअल रिकॉर्ड भी रह सके, ऑनलाइन रिकॉर्ड भी रह सके इस चीज़ का रजिस्ट्रार ऑफिस। उसके बाद इन सब चीज़ होने के बाद वहाँ पर जो है सब कुछ सब रजिस्ट्रार को ओके लगेगा, तो उसके बाद वो सब रजिस्ट्रार जो है अपने रजिस्टर में आप लोगों के साइन करवाएगा, वहाँ पे आपको अपने साइन अंगूठे लगाने हैं, उसके बाद वो आपका वेरिफिकेशन डन हो जाएगा, आपका ये सब प्रोसेस डन हो जाएगा। तो उसके टाइम कुछ टाइम बाद आपको बता देंगे कितने दिन में आपको प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको रिसीव हो जाएंगे, तो वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स या तो आपको वहाँ जाकर कलेक्ट करने पड़ेंगे जैसा भी वहाँ प्रोसेस है, या तो जो आपने एड्रेस दिया है उस एड्रेस पर आपको डिस्पैच हो जाएंगे। और वहीं पर अगर आप इस मकान में कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, फॉर सपोज़ आपको अपने एक प्रॉपर्टी तो ले ली लेकिन आप उस पर कुछ कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो पहले आप एक मैप ड्रॉ करेंगे, जो नॉर्मली आप किसी भी बनवा सकते हैं, नक्शा मकान का इजीली बन जाता है नॉमिनल अमाउंट में,
उसके बाद आप एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करेंगे कि ऐसे ऐसे आपने एक नक्शा ड्रॉ किया और अपने प्रॉपर्टी को आप इस तरीके से कंसिडर करना चाहते हैं। वो एप्लीकेशन म्यूनसिपल डिपार्टमेंट के नाम से होनी चाहिए ताकि आपको वहाँ से परमिशन मिल सके, और एक एफिडेविट लगाना चाहिए जिसमें आपकी वेरिफिकेशन लिखी हो। अब इन सब तीनों को चीज़ें आप तीनों चीज़ों को डाल के आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट को आप अप्रूवल के लिए वहाँ दे सकते हैं, जिससे वहाँ से आपको अप्रूवल मिले। अप्रूवल के बाद ही आप वहाँ कंसल्ट कराएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा आपकी प्रॉपर्टी के लिए, ताकि कल को आप पे कोई ऑब्जेक्शन ना आए और आपकी प्रॉपर्टी किसी भी डिस्प्यूट में ना फंसे। नहीं तो आपकी प्रॉपर्टी पर कोई डिस्प्यूट आ गया तो आपकी प्रॉपर्टी डायरेक्ट सील भी करी जा सकती है, जिसके लिए आपको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपका कोई कमेंट या कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मुझे इंस्टा, फेसबुक या मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे पिंग कर सकते हैं, या आप कमेंट में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आने वाली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो ये है कि जिन प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं वो उस केस में प्रॉपर्टी सेल या परचेज कैसे करी जाती है, उसमें कैसे वेरिफिकेशन होगी हर चीज़ की, या उस केस में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि उस केस में तो डॉक्यूमेंट खो ही चुके हैं, डॉक्यूमेंट है ही नहीं, अब वेरीफाई सब कुछ कैसे होगा। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, हम ये सब जानकारी आपको जरूर देंगे, और आप अपने नोन में जितने भी आप उन तक ये जानकारी पहुँचाए ताकि उनकी मेहनत का पैसा बर्बाद ना जाए और वो जिस प्रॉपर्टी में ले रहे हैं सुकून से वो उम्र भर उस प्रॉपर्टी में रह सकें। जय हिंद।